हिंदुस्तान स्काउट व गाइड राजस्थान राज्य मुख्यालय भरतपुर के नेतृत्व में श्री गणेश बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं श्री कृष्णा राधा शिक्षण सोसाइटी के सहयोग पर दिनांक 6 अक्टूबर 2020 को जितेंद्र शुक्ला डीओ स्काउट सहायक डीओ संजीव कुमार तिवारी डीटीसी ने बताया कि नो मास्क नो एंट्री राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया अभियान के तहत जन जागृति अभियान चलाया जिसके मुख्य अतिथि राजेश गोयल अतिरिक्त जिला कलेक्टर भरतपुर के आतिथ्य में हुआ तथा अध्यक्षता नेत्रपाल शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि ब्रजेश कुमार वीरेंद्र कुमार शुक्ला जितेंद्र शुक्ला श्रीमती गीता शर्मा रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत राजेश गोयल जी ने गणेश पूजन कर एवं मास्क वितरित कर कार्यक्रम की शुरुआत की तथा कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 में सेवा दे रहे डॉक्टर पुरस्कार्मिक सेवा समाज सेवी स्काउट व गाइड कोरोना फाइटर टीम रोवर रेंजर कब बुलबुल आदि को राजेश गोयल अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब के कर कमरों द्वारा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस समय विशिष्ट अतिथि वीरेंद्र शुक्ला ब्रजेश हरिओम हरी कवि के रूप में रहे। संजीव कुमार तिवारी ने हिंदुस्तान स्काउट गाइड की गतिविधियों पर प्रकाश डाला और कहा कि कोविड-19 की जानकारी व बचाव ही इसकी सुरक्षा है और बताया कि लगातार हम लोगों को भोजन पक्षियों के लिए परिंदे बांधने तथा गायों की सेवा बंदरों को भोजन की सेवा एवं रंगोली और नाटकों के द्वारा नो मास्क नो एंट्री अभियान जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। गीता शर्मा ने कोविड-19 की जन जागृति के बारे में संदेश दिया। हाथों को बार बार धोना चाहिए एवं सैनिटाइज का उपयोग करना चाहिए। प्रेस रिपोर्टर कृष्णकांत शर्मा ललित कुशवाहा राजेंद्र शर्मा सचिव राकेश सिंह फौजदार विनोद शर्मा रूपनारायण शर्मा आदि को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। दीपक शर्मा मनीष तिवारी लोकेश सैनी के मुख्य रूप से पूर्ण आपदा टीम व स्काउट टीम बनाकर समाज सेवा के हिंदुस्तान स्टार्टिंग से जुड़े संवादों को सम्मान पत्र की मान जी के कर कमलों द्वारा दिए गए। हिंदुस्तान स्काउट गाइड मंडल मुख्यालय राजस्थान राज्य भरतपुर के द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा नो मास्क नो एंट्री के तहत यह प्रोग्राम रखा गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान राजेश गोयल जी अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब आए और उन्होंने मास्क पहनाकर एवं कोरोना वायरस के बारे में जन जागृति के बारे में प्रकाश डाला। इसी के साथ हमारे सर डीओ जितेंद्र शुक्ला जी वीरेंद्र शुक्ला जी और सरपंच साहब आदि उपस्थित हुए और हमारे साथ कोरोना फाइटर्स टीम ने पूरा पूरा सहयोग किया है। और इसमें एक विशेष ये अभियान चलाया जा रहा है कि कोई भी बिना मास्क के ना रहे जिससे कि कोरोना का प्रभाव उस पर ना हो सके। हमारी टीम लगातार यह प्रयास कर रही है कि जितना हो सके हम कोविड-19 के बारे में जन जागृति फैलाएँ। और इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि सभी मास्क का प्रयोग करें क्योंकि कोविड-19 से इसकी जानकारी इसकी सुरक्षा है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। प्रोग्राम के बारे में सर कुछ दो शब्द कहें। राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु एक जन जागरण आंदोलन प्रारंभ किया हुआ है जो 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूरे राजस्थान में शुभारम्भ किया गया। 3 तारीख को हमारे जिला प्रभारी मंत्री द्वारा भरतपुर जिले में शुभारम्भ किया गया। उसी श्रृंखलाओं में जगह जगह जाकर के विभिन्न स्थानों पर जाकर अपनी सोसाइटीज़ में जाकर इस तरह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हिंदुस्तान स्काउट गाइड द्वारा एक सम्मान समारोह जागरूकता का कार्यक्रम यहाँ रखा गया। निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास है और मैं तो आपके माध्यम से और स्काउट गाइड्स ने हमें पूरे प्रयासों में इस पूरे अभियान के दौरान बहुत हेल्प की है जिला प्रशासन ने, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं सिर्फ इतनी से अपील करूँगा कि अभी समय व्यतीत नहीं हुआ, अभी और हमें आवश्यकता है आपके प्रयासों की, जन जागरूकता की, कि हम घर घर जाएँ, व्यक्ति व्यक्ति तक अपनी पहुँच बनाएँ और जो 3 सावधानियाँ विशेष रूप से अपने पास हैं कि मास्क पहनने की और सामाजिक दूरी डिस्टेंस बनाए रखने की और साथ ही साथ सैनिटाइजेशन की, सफाई स्वच्छता की, इन तीनों सावधानियों को, इन तीनों नारों को नो मास्क नो एंट्री के साथ हम घर घर तक पहुँचाएँ, तभी हम लोग इस कोरोना जैसी भयावह बीमारी से मुक्ति पाएं।